तो आज हम बनाएंगे इजी और डिलीशियस अरवी की सब्ज़ी। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना स्टोर में से इतने ही मिले, तो जितने मिले मैं वो लेके आ गई। तो आपको इसको क्या करना है, प्रेशर में डाल के आपको इसके दो विसल लेना है। तो दो विसल लेना है और दो विसल लेने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हो, तो प्रेशर लेने के बाद मैं आपको इसकी ना स्किन निकालना है। तो मेक श्योर आप इसको पील करो, अच्छे से वॉश करो। और मैंने सिंपल से ना मसाले लिया है, तो वॉश करने के बाद मैंने उसको कुछ इस शेप में कट किया है, जैसे लॉन्ग शेप मैंने रखा है। जूलियन आप छोटे भी रख सकते हो, जैसे आपको चाहिए। और मैंने सिंपल मसाले लिया है, थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा सा मैंने लिया है ग्रीन चिली। ये झटपट बनती है, टेंशन नहीं। आप इसको ना रोटी के साथ, राइस के साथ और लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हो। चलो बनाते हैं सब्ज़ी अभी। तो मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है, थोड़ा सा क्यूमिन डाला है क्वार्टर स्पून जितना, और थोड़ा सा मैंने डाला है करी लीव्स। करी लीव्स डालने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसा ना हैंडफुल इतना ऑनियन चॉप करके डाल देना है। ओके, थोड़ा सा इसको ना सॉटे कर दो अच्छे इससे। और फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है आपके जो घर में मसाले हैं वो डालना है। तो मसालों में पहले डाला है मैंने एक हाफ अ स्पून जितना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और रेड कश्मीरी पाउडर भर के डाला है मुझे, क्योंकि मुझे ये स्पाइसी बनाना था। और बस इसको ना आपको ऑयल में थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद जो आपके पास अरवी है जो आपने कट किया है वो आपको ऐड करना है इसमें, और अच्छे से मिक्स करना है। धीमी आँच पे आपको इसको कुक करने रख दें। अगर आपको थोड़ी भी वो कच्ची है तो वो उस स्टीम हो के वो कुक हो जाएगी अच्छे इससे। और मैंने गार्निश किया है सिलांट्रो से, और सॉल्ट आप इस मुकाम पे चेक करके डाल देना। तो ऐसी बनी थी मेरी सब्ज़ी। आई होप यू एंजॉय। बाय बाय।